तो ये जर्नी मॉनसून शुरू होने के बाद पहली जर्नी होगी और आपको इस जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस जर्नी में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोर्स। तो फिलहाल मैं हूं अभी दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे और यूं तो हम यहाँ आए थे एक दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी करने के लिए। फिलहाल जर्नी करूंगा मैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन जो है वो करीब 3 घंटे 20 मिनट जो है वो रेशेड्यूल हो गई है, यानी 3 घंटे 20 मिनट की देरी चलने वाली है। शाम के वक्त में जो हमारा PNR आया ना, तो उस वक्त कुछ लिखा नहीं था कि आपकी ट्रेन जो है वो रेशेड्यूल्ड है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बतानी चाहिए रेलवे को ताकि जो भी पैसेंजर हैं वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आए। तो वक्त बहुत था हमारे पास, तो बस आती जाती ट्रेनों को देखकर ही टाइम कट रहा था। फिर करीब 12 बजे ये खबर आती है कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। रात और गहरी होती जा रही थी और वक्त थम सा गया था। तो वक्त जो है वो करीब 1:15 का हो चुका है और अभी आपने देखा कि मैसेज जो है वो आया हमें कि हमारी ट्रेन जो है वो फिर से रेशेड्यूल हो गई है। अब 2:30 ट्रेन आने वाली है। तो फाइनली वेट जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। 2:15 का वक्त हो चुका है और अब अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि हमारी ट्रेन जो है बस अब शंट होने वाली है। फाइनली भाई ट्रेन आ चुकी है और गर्मी बहुत है, यहाँ पे अंदर चलते हैं जल्दी से। B12 हमारा कोच है, 30 कोच है, ये हम सफ़र वाले कोच है। बिल्कुल दुरंतों की लिवरी इसमें नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ लाल और हम सफ़र वाले कोच जो है ना यही आपको देखने को मिलेगा। जो ओरिजिनल दुरंतों की लिवरी होती है वो इसमें नहीं है। तो ये अपना कोच, बिल्कुल हम सफ़र वाली जो अंदर की जो इंटीरियर है ना बिल्कुल वैसी है। कोच तो काफ़ी अच्छे हैं, कर्टन्स बिल्कुल अलग है, नॉर्मल से जो हमारे होते हैं बिल्कुल उससे अलग है। बेडशीट जो है वो दी गई है, तो ये चीज़ अच्छी है। घर से कुछ लाया नहीं हूँ मैं, तो बस आराम भरोसे था। और एक और चीज़ है कि हमारी जो सीट है वो साइड लोअर है और साइड अपर है, और साइड लोअर में अच्छी बात ये है कि ये चीज़ मिल जाती है तो बिल्कुल पीठ को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यार सामान रखते हैं और जल्दी जर्नी शुरू करते हैं। और हाँ एक और चीज़, ये दुरंतो एक्सप्रेस है तो स्पीड तो इसकी होगी, साथ ही साथ इसके स्टॉपेज बहुत कम होते हैं। और आपको बता दूं कि बेंगलोर तक की जर्नी में इस ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ 7 हॉल्ट होने वाले हैं और बड़े बड़े स्टेशन को हमारी ये ट्रेन जो है वो स्किप करने वाली है। इसमें सबसे पहला नाम जो है ना, नहीं बताऊंगा नहीं, आप सीधा देखिए कि किस बड़े स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। तो फाइनली करीब 2:40 पे अपना डिपार्चर जो है वो दिल्ली सराय रोहिला से हो रहा है। तो चलिए फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और फाइनली अपनी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, पहले डिपार्चर जो है वो लेते हैं। और शायद भाई क्या कर रहे हो फ़ोन में यार इतना देर से? भाई शॉपिंग कर रहा हूँ। शॉपिंग क्या शॉप कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो? ईयरफोन सुन रहा हूँ। ईयरफोन्स ख़राब हो गए, मुझे नए खरीदना था तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ अमेज़ोन से। अच्छा तो यार तुम कैश करो ऐप का यूज़ क्यों नहीं करते? कैश करो क्यों भाई? तो कैश करो इसलिए, कैश करो ऐप का यूज़ करके तुम किसी भी प्रोडक्ट पे ना एक अच्छा खासा कैशबैक जो है वो ले सकते हो। जैसे मैंने ये स्लिंग बैग अमेज़न से ऑर्डर किया था, इसकी कॉस्ट 449 रुपीज़ की थी, लेकिन कैश करो के हद से मुझे सिर्फ 413 रुपये मिला, यानी कि अच्छा खासा कैशबैक मिला मुझे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ अमेज़न या किसी भी वेबसाइट से तो मुझे अच्छा खासा कैशबैक जो है वो मिल जाता है। तो बात ये है कि मैं भले ही अपनी शॉपिंग जो है वो अमेज़न, AJIO, बिग बाज़ार और मिंत्रा साइट से करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं डायरेक्टली इन साइट पर जाकर शॉपिंग नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो फंडेड है बाय रतन टाटा सर और यहाँ पे आपको 30% तक का जो कैशबैक है वो मिल जाता है, और वो भी अबव कूपन कोड और सेल्स डिस्काउंट्स के बाद। और यहाँ पे आप करीब 1500 से ज़्यादा वेबसाइट पे कैश करो का यूज़ कर सकते हैं। तो अब 10 ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, चाहे ग्रोसरीज ऑर्डर करनी हो या फिर ऑनलाइन फूड, आप कुछ भी ऑर्डर करके कैशबैक ले सकते हैं।
कैश करू का कैशबैक एक रियल कैश है जिसको अपने बैंक अकाउंट या फिर अमेजन के वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करू ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज़, आप मेरा कूपन कोड RG25 ज़रूर से यूज़ करिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 25 rupees का बोनस मिल जाए। इसके बाद से आप कैश करो ऐप पे जाएं, अपनी फेवरेट वेबसाइट जो है वो चूज़ करके ऑरेंज बटन पे क्लिक कर दें और फिर उसके बाद से आप जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग करिए। फिर आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं उसे अपने कार्ट में ऐड करके पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद से आप माई अर्निंग सेक्शन में जा करके अपना कैशबैक जो है वो चेक कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में थोड़ा सा गिव अवे पेज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कैश करो पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरा कूपन कोड RG25 यूज़ करके साइन अप कर सकते हैं। और हाँ, फिर इसके बाद कैश करो ऐप पे लिस्टेड वेबसाइट पे जाकर आपको शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट चूज़ करना है, पेमेंट करना है, ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस गिवअवे के लिए। तो पहले लकी विनर को मिलेगा एक ब्लूटूथ स्पीकर और बाकी 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 rupees के अमेजन वाउचर्स। तो फिर देर किस बात की, जाइए और गिवअवे में पार्टिसिपेट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलने वाली हैं उन सभी की शंटिंग जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और बस नई दिल्ली को स्किप करने वाले हैं। ऐसा बहुत कम ही बार होता है जब कोई ट्रेन नई दिल्ली को स्किप करती हो। ये देखा आपने नई दिल्ली का स्किप, जो कि बहुत ही रेयर होता है, और हमारी ट्रेन ने नई दिल्ली को स्किप किया। हालांकि अब हमारी ट्रेन जो है वो सीधा यहाँ से झांसी जो है वो रुकने वाली, यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप 411 किलोमीटर जो है वो चलने वाली है। आगरा मथुरा ऐसे बड़े स्टेशन जो है वो भी हम स्किप करने वाले हैं। हालांकि अब थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि कल पूरा दिन आपको जर्नी करवानी है तो रेस्ट थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए आगरा मथुरा का स्किप जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन हाँ, सुबह उठूँगा और इसके बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के बाद आपको जो भोपाल का स्किप है ना वो ज़रूर से मैं दिखाऊंगा। और एक और चीज़ है कि मैंने इस ट्रेन में केटरिंग चार्जेस जो भी पे किए हुए हैं, तो आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो मिलती रहेंगी इस ट्रेन में। पानी की बोतल जो है वो आ चुकी है, तो फिलहाल अभी आपको एक बोतल पानी जो है वो मिलेगा। चलिए, अपने बेडशीट जो है वो तो हमने अच्छे से नहीं बिल्कुल गंदे तरीके से लगा दिया बस। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपके साथ आपके बैग में कुछ एक्सपेंसिव चीज़ जा रहा है ना, तो एक काम करो, आप ये ट्रिक जो है जो मैंने सीखी थी, पता नहीं कहीं लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ी थी कि इस तरह से बेडशीट से इसको बांधो और ऐसे इसके ऊपर तकिया जो है वो रख दो, पिलो रख दो उसके ऊपर। अब आराम से सो सकते हो, कोई भी अगर ले आने की कोशिश करेगा ना तो सबसे पहले तो आपको फील हो जाएगा कि भाई कोई तो हमें उठा रहा है। और अगर आप बहुत गहरी नींद में सोते हो, कुंभकर्ण की तरफ सोते हो, तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कोई ऐसे डिस्टर्ब करता है, अगर आपकी आँख खुल जाती है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो चलिए फिलहाल अभी करते हैं रेस्ट और मिलते हैं सुबह के वक्त में जब हमारी ट्रेन झांसी जंक्शन पहुँच रही होगी। सोचा था सुबह सुबह आपको चंबल घाटी दिखाऊँगा और नींद ग्वालियर के करीब खुलती है, तो चंबल घाटी और चंबल नदी दोनों ही मिस हो गई। पर ग्वालियर को हमने स्किप किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। तो सुबह के करीब 7 बज चुके हैं और अभी आपने देखा ग्वालियर का स्किप। तो फिलहाल अभी हमने ग्वालियर स्किप किया है और इसके बाद जो है वो हमारी ट्रेन पहुँचेगी झांसी, वहाँ पर हॉल्ट है ट्रेन का। लेकिन झांसी के बाद भोपाल पे अक्सर ट्रेनें रुका करती हैं, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो भोपाल को भी स्किप करने वाली है। चाय तो वैसे ही नॉर्मल है, मतलब अब ये वाली चाय से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ जो है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, वो ये कि बाहर बिल्कुल काले बादल जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे मौसम में रेल जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे घाट सेक्शन जो है वो भी आने वाले हैं जर्नी के दौरान। तो सोचो कि ये नीले कोच वाले हमसफ़र और काले बादल, उनके बीच में चलती ट्रेन कितना ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। फिलहाल अभी तो हम झांसी पहुंचने वाले हैं, लेकिन झांसी के पहले भी बहुत ही खूबसूरत घाट जो है वो आता है। उसके बाद से इटारसी का जो फेमस बुधनी घाट्स है वो भी देखने को मिलने वाला है, और फिर उसके बाद नागपुर के पहले जो घाट सेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा घाट सेक्शन है इस रूट पर, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिलहाल चलिए चाय को इन्जॉय करते हैं, उसके बाद से
जल्दी से आपको बाहर ले चलते हैं और कुछ बाहर के जो नज़ारे हैं वो दिखाते हैं। ये रातें ये मौसम नदी नहीं नहीं बिल्कुल आई नहीं है और मौसम बहुत ही तगड़ा है और सुबह के करीब 8:15 हो चुके हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सब हो चुका है। ये है कटलेट जो कि गर्मा गर्म है, अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर तौर पर ये बनता तो नहीं है पैंट्री में, ये बाहर से आता है। और इसके साथ ही साथ आपको ब्रेड और ये मैंगो ड्रिंक, सिर्फ ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं इस गाड़ी के ब्रेकफास्ट में। और चाय जो है वो तो मिलती है, चाय तो आप जितने जाओ उतनी पी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड चाय मिलेगी। तो हाँ, ये कटलेट जो है ये मेन मुद्दा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। कटलेट भाई नॉर्मल एकदम, उसका टेस्ट ना वो खराब नहीं कर सकते। तो पहुंचने वाले हैं झांसी। वैसे झांसी पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के करीब 3:55, लेकिन हमारी ट्रेन 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है और अभी 8:30 का वक्त हो चुका है और अब जाके हम झांसी जो है बस पहुंचने वाले हैं। एक चीज़ है कि धूप छांव का खेल जो है वो चल रहा है, मौसम बहुत ही खुला है, कभी ऐसा लगता है कि बारिश होगी, कभी लगता है कि ऐसी धूप रहने वाली है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हरियाली बहुत है, बारिश बहुत हुई है, तो बुधनी घाट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लाइन आ रही है कानपुर सेंट्रल की तरफ से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1847। तो झांसी पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के करीब 3:55, लेकिन ट्रेन यहां पहुंची है करीब 8:35 पे। और एक और चीज़ है कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो करीब 416 किलोमीटर का है और बिल्कुल ट्रेन नॉन स्टॉप चली थी, यहां पे पहला हॉल था ट्रेन का, तो ये सबसे लंबी दूरी तक ट्रेन चली है। इसके बाद भी ट्रेन चलेगी लेकिन वो करीब 400 या फिर 300 किलोमीटर जो है सिर्फ वही ट्रैवल करेगी नॉन स्टॉप। चलिए ये बात अच्छी हुई कि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रुकी। बाकी बात करें झांसी की, तो इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा था कि एक लाइन जो है वो कानपुर सेंट्रल की तरफ से आ रही है और एक लाइन जिधर से हम अभी आ रहे हैं ग्वालियर की तरफ से, और आगे अगर हम बढ़ेंगे ना तो यहाँ से आपको 2 लाइनें जो हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं। एक लाइन जो है वो निकल जाती है मऊ रानीपुर होते हुए बांदा की तरफ, दूसरी लाइन जो है वो सीधे निकल जाएगी भोपाल की तरफ। तो बस बेतवा नदी को क्रॉस करने वाले हैं और देखते हैं कि नदी में बाढ़ आई है या फिर सूखी सी है। तो नदी में बाढ़ तो नहीं आई है और ज्यादा पानी भी नहीं है, पिछली बार जितना पानी था उतना ही दिख रहा है। और इस तरफ माता टीला डैम है, ये भी कारण हो सकता है कि नदी में इतना पानी जो है वो देखने को नहीं मिला। तो एक छोटा सा पावर नैप लेने के बाद वापस से उठ चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है जस्ट अभी सांची जो है वो क्रॉस की है। और मैं क्या देखता हूँ कि इधर आने के बाद ना जो खेत हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और हरियाली इतनी ज़्यादा यहाँ पर है कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ में हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं, सारी बारिश यहीं पर हुई है। आप खुद देखो सब कुछ कितना ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है। तो झांसी के बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने और वापस से बलबदा घाट में नींद खुली और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, मतलब आगे जो और घाट सेक्शन आने वाले थे जैसे कि बुधनी घाट वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होंगे। वेलकम टू भोपाल। पहले ना ये पूरा कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन अभी देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ये। तो अब जो है ना वो एक और बड़े स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं, समझ में आएगी होगा आपको, बिल्कुल भोपाल को हम स्किप करने वाले हैं। और हमारी ट्रेन जो है वो भोपाल नहीं बल्कि रानी कमलापति जो कि पहले हबीबगंज हुआ करता था वहाँ पे रुकने वाली है। भोपाल जंक्शन एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है और हमारी ट्रेन इसे भी स्किप कर रही है।
तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रानी कमलापति स्टेशन के बनने के बाद ना, मतलब ये जब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गया उसके बाद से पहली बार मैं स्टेशन पे हॉल्ट ले रहा हूँ। तो वक्त हो चुका है दोपहर के 12:30 और पहुंच चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और करीब 714 किलोमीटर के बाद में ये हमारा दूसरा हॉल्ट है। तो बस इसी से आप समझ जाओ इसको दुरंतो जो है वो क्यों बोलते हैं। और एक और चीज़ है, इसके बाद हमारी ट्रेन का हॉल्ट ना सीधा नागपुर में है, लेकिन नागपुर में हमारी ट्रेन का वो टेक्निकल हॉल्ट है, कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सीधे बल्हार शाह पे लोग अब ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। और अक्सर मैं भूल जाता हूँ, पर इस बार वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जहाँ 10,000 साल पुरानी सभ्यता का आपको प्रमाण मिलेगा। यहाँ के खूबसूरत रॉक पेंटिंग के बारे में आपने अपने किताबों में और कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, तो अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी रुचि हो तो आप यहाँ ज़रूर से विजिट करिएगा। और बुधनी घाट में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, और अब आप थोड़ा बुधनी घाट के खूबसूरत नज़ारों को देखिए। बिल्कुल यार भींग चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, और वाकई में ये बुधनी घाट बहुत दिनों बाद मैंने देखा है, इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा अच्छा। और क्या टाइमिंग है, मतलब इससे पहले बारिश नहीं हो रही थी, और जैसे ही हम बुधनी घाट में आए ना बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और नर्मदा रिवर को देखते हैं मानसून में कितनी उफान पे है। कुछ ज़्यादा ही उफान पे है नदी, पानी बिल्कुल मटमैला है, और आमतौर पर ये बिल्कुल साफ होता है। नर्मदा का ये रूप बहुत दिनों बाद में देख रहा हूँ, इतनी विशाल लग रही है नर्मदा, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। वाओ, नॉर्मली नर्मदा बहुत साफ रहती है, लेकिन आप देखो बिल्कुल मटमैली हो चुकी है, सब बाढ़ का पानी है। तो नर्मदा नदी को स्किप करने के बाद अब बारी है टारसी स्किप करने की। और आज जो है ना इटारसी में हम रुकने नहीं वाले हैं, इटारसी को स्किप करने वाले हैं। आज इस जर्नी में बड़े बड़े स्टेशन जो है वो हमने स्किप किए हैं। स्टार्टिंग में नई दिल्ली हमने स्किप किया, फिर भोपाल स्किप किया, अब इटारसी स्किप कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे और बढ़ेंगे ना, और बड़े बड़े स्टेशन जो है वो हम स्किप करने वाले हैं। क्या चलेगी चलिए, फाइनली हमने इटारसी को बिना रुके जो है वो पार कर लिया है, स्किप कर लिया है फाइनली। और काले बादलों का जो खेल है ना वो यहाँ तक चल रहे हैं, कहीं धूप है कहीं छांव है, और कहीं काले बादल जो है वो ऐसे ही लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। वाकई में मौसम आज का तो बहुत ही बढ़िया हो गया। कुछ आपको दिखाना है, इसके बाद भी बढ़िया घाट सेक्शन आता है, लेकिन हमारा जो लंच है ना वो सर्व हो चुका है, तो इससे पहले वो ठंडा हो जल्दी से उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर से बाहर आते हैं और आपको जो घाट सेक्शन है वो दिखाते हैं। आगे में शायद अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है खाने का, चलिए इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद चलते हैं। और ये बढ़िया घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, तो चलते हैं बाहर, पहले अपना जो लंच है वो फिनिश करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम जो है वो मिल जाती है आपको। Thank you.
देखो आप, क्या फ्लो है ये। इटारसी के बाद और नागपुर के पहले एक और घाट सेक्शन आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अभी आमला स्किप हो रहा है जो कि बहुत ही आम बात है, बहुत सारी ट्रेनें आमला को स्किप करती हैं। और ये शायद से रामेश्वरम अयोध्या कैंट श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस है, और अभी हाल में मैंने भी रामेश्वरम बनारस एक्सप्रेस में यात्रा की हुई है, तो बहुत ही जल्दी उसकी जर्नी भी आने वाली है। पाँच बजे का वक्त हो चुका है और बस नागपुर जो है पहुंचने वाले। वैसे एस्टिमेट था कि करीब 7 बजे हम नागपुर पहुंचेंगे, लेकिन ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया। और एक और चीज़ है कि कंटिन्यूस आपको ऐसे जो व्यूज़ है ना वो देखने को मिल रहे हैं, और एक वक्त के बाद जो है ना थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। और अभी हम और ट्रेंस बात ही कर रहे थे कि भाई कुछ खाने को नहीं मिला हमें, और जैसे ही हमने ये बोला तुरंत जो हमारा इवनिंग स्नैक्स है ना वो सर्व हो गया। तो देखो भाई सारे पैक्ड आइटम्स ही हैं इसमें। ये मिक्सचर है, ये क्या है, गुड़ चना, और ये मेरे ख्याल से कचौरियाँ हैं। और इस बॉक्स में जो है ना एक रसगुल्ला जो है वो दिया गया है। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स है। अब मोस्टली पैक्ड आइटम तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी कचौरी भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। तो बस चाय पीते हैं और इस नज़ारों को एंजॉय करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कई कई जगह तो रिवर जो है वो ओवरफ्लो कर रही हैं, छोटे छोटे जो नाले हैं ना वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं बस। और आखिरकार नागपुर पहुंचने ही वाले हैं। और ये गाड़ी जो है ना वो डायमंड क्रॉसिंग पे होती आ रही है। देखो ये रहा डायमंड क्रॉसिंग और उस पर ये गाड़ी आ रही है। पहली बार मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ऐसे। और नागपुर में ना इस ट्रेन का जो कमर्शियल हॉल्ट है वो नहीं है, सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट है। मतलब यहाँ पे जो क्रू है सिर्फ वही चेंज होने वाले हैं, जो स्टाफ है वो चेंज होंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रेन में ऑनबोर्ड नहीं हो सकता, और बाकी ट्रेन में डीबोर्ड होना तो भाई वो बाकी ट्रेन से अगर आपको डीबोर्ड होना तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ से कोई भी टिकट जो है वो बुक नहीं कर सकता। तो ये होता है टेक्निकल हॉल्ट। यहाँ पहुँचने का सही समय था 1:50 पर, हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है 5:45। चलो ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया, हमने सोचा कि ये ट्रेन जो है ना वो करीब शाम को 6:30-7 तक पहुँचेगी, लेकिन काफ़ी बढ़िया ट्रेन ने मैनेज किया और काफ़ी जल्दी पहुँच गए हम। बाकी यहाँ पे हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म होती, क्योंकि अगर मैं जर्नी कंटिन्यू करूँगा तो बहुत ही लंबी जर्नी बन जाएगी। और एक और चीज़, यहाँ तो आपने बारिश देखी, यहाँ आपने देखा किस तरीके से हर जगह पानी भरा हुआ था। अब देखना ये है कि साउथ इंडिया में कैसी बारिश होती है, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊँगा। देखते हैं कि साउथ इंडिया में किस तरीके की बारिश है, वहाँ का पूरा मौसम कैसा रहता है, सेकंड पार्ट में देखेंगे हम। फिलहाल इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। नागपुर तक की जर्नी सिर्फ यहीं तक की थी, अब यहाँ नागपुर से यशवंतपुर तक दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बात करें कैश करो की, तो कैश करो ऑल इन वन ऐप है जो आपको शॉपिंग करने के फ्री कैशबैक दे रहा है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कैश करो आपको डाउनलोड करो, या फिर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे मेरा कूपन कोड RG25 जो है ना वो जरूर से यूज करना, ताकि आपको 25 रुपए का जो बोनस है वो बोधो में मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, और देखते हैं कि सदर्न इंडिया में जो मॉनसून का जो हाल है वो कैसा है।
चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।